आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। पुण्य श्लोक अहल्याबाई के नगर के अंदर आज सुबह एक पेड़ मां के नाम, एक वृक्ष मां के नाम, एक कार्यक्रम के तहत एक ही दिन में, एक ही नगर में 11 लाख से अधिक वृक्ष बोने का विश्व रिकॉर्ड आज इंदौर बनाने जा रहा है। मैं सभी विद्यार्थी भाई बहनों को भी कहना चाहूंगा कि आप छूट गए हैं तो आपके घर के आसपास ही एक पौधा जरूर आज लगा देना, अपनी मां का उपकार को याद करते हुए। भाइयों बहनों, और आज दूसरा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, मध्य प्रदेश भर में 55 कॉलेजों को आज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के सारे पैरामीटर समाप्त कर बच्चों के लिए खुला करने का काम भी आज यहां पर हो रहा है। और जब मैं यहां आया हूं तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब के लिए एक लक्ष्य रखा है कि 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल समाप्त होंगे तब हमारा देश हर क्षेत्र के अंदर विश्व भर में सबसे प्रथम हमारा भारत होगा, ऐसा भारत का निर्माण करना। और भाइयों और बहनों, अगर ऐसे भारत का निर्माण करना है तो शिक्षा की नींव मजबूत करे बगैर नहीं हो सकता। और इसलिए मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ 2020 में आने वाले 25 साल की जरूरतों को पूरा करने वाली सभी चीजों को विजुलाइज कर नई शिक्षा नीति लाने का काम किया। ये नई शिक्षा नीति आने वाले 25 सालों तक भारत के विद्यार्थियों को विश्व भर के विद्यार्थियों के साथ स्पर्धा करने के योग्य बनाएगी, और दूसरी ओर हजारों साल हमारी पुरानी संस्कृति और भाषाओं के साथ भी हमारे विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करेगी। मुझे बड़ा आनंद है, मैं मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।